वेलकम टू आवर एजुकेशन पोर्टल विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। माई सेल्फ मनोज कुमार अग्रवाल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10 पोइट्री सेक्शन की पोइम नंबर 2, माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड जो है वो चार्ल्स मेके के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही अच्छी पोइम है जो हमें जीवन में हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है। तो चलो हम अपनी पोइम को आगे बढ़ाते हैं। I fell into grief and began to complain। कवि कहता है कि गरीबी के कारण जब मैं दुखों से गिर गया तो मैं अपना असंतोष असंतुष्टि जो है वो व्यक्त करने लगा। I looked for a friend। मैंने एक मित्र जो है उसके लिए चारों ओर देखा कि कहीं से मुझे सहायता मिल जाए। But I sought him in vain। लेकिन मेरी जो मित्र की जो चाह है वो व्यर्थ रही। सोट यानी चाह, वेन यानी व्यर्थ। कंपेनियंस वर शाई। कंपेनियंस जो साथी हैं उसके जो मित्रगण थे वो सभी उससे कतराने लगे, उसको अवॉइड करने लगे, क्योंकि वो गरीबी से गिर गया। लोग समझने लगे कि ये अब हमसे सहायता मांगेगा और क्या पता कि फिर से हमें ये अपने पेमेंट को रीपेमेंट कर पाए या फिर ना कर पाए। एंड एक्विटेंस वर कॉल। और उसके जो परिचित जो लोग हैं, फैमिलियर जो पर्सन हैं, पारिवारिक जो लोग हैं, वो भी उसके प्रति उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल बट रीडेड देयर गोल्ड। ऐसे जो लोग हैं, उसके साथी हैं, उसके सगे संबंधी हैं, वे सब जो लोग हैं उसे अच्छी सलाह देते थे लेकिन उसे अपना धन देने से डरते थे। ये जो लोग हैं उसे अच्छी अच्छी बातें बताते थे लेकिन जब बात आती है उसकी सहायता करने की, पैसे देने की, तो सब उससे बचते थे। Let them go, I exclaimed। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उन्हें जाने दो। I have a friend at my side। कि मेरी तरफ भी एक मित्र है। To lift me and add me whatever betide। उसने जोर से कहा कि उन्हें जाने दो, जो उसके चिर परिचित लोग हैं, सगे संबंधी लोग हैं, मेरी तरफ एक मित्र है जो मुझे ऊपर उठाएगा, मेरी सहायता करेगा चाहे कुछ भी घटित हो। यानी किसी भी परिस्थिति के अंदर वो उसे ऊपर उठाएगा और उसकी सहायता करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। इस दुनिया पे या जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करना रेत के ऊपर महल बनाने जैसा है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं समय मिलने पर हमारी सहायता नहीं करते हैं। तो कवि कहता है कि ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करना मिट्टी के ऊपर महल बनाने जैसा है। कि किस प्रकार हम कमज़ोर जो कोई नींव होती है, फाउंडेशन होती है, उस पर कोई चीज़ बनाते हैं तो गिर जाती है, तो ऐसे ही जो उसकी जो आशाएँ हैं वो भी उन लोगों ने तोड़ दी। I will trust but in heaven and my good right hand। कवि कहता है कि अब से मैं भगवान और मेरे अच्छे दाहिने हाथ means अपने हार्ड वर्क के ऊपर विश्वास करूँगा। Heaven का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन यहाँ पे ये भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। और my good right hand जो है ये अपने हार्ड वर्क के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो कवि कहता है कि अब से जो है मैं अपने हार्ड वर्क और जो भगवान है उसमें विश्वास करूँगा। माई क्रेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट। कवि कहता है कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा जो साहस है वो पुनर्जीवित हो गया। And my hand was strong as my spirit was light। अब मेरा जो हाथ है वो काफ़ी मजबूत हो गया, मेरा जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मेरी जो स्पिरिट मन स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट का मतलब प्रसन्नतापूर्ण हो गई।
इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, जो कवि का हार्ड वर्क है, भगवान में विश्वास है, आत्मविश्वास है, इसने मुझे दुखों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्दपूर्ण जो परिस्थिति है उनसे बचाया। इट फेड मी, मेरे हार्ड वर्क और मेरे कॉन्फिडेंस ने मुझे, फेड मी यानी भोजन खिलाया, भोजन दिया, क्लैड मी मुझे वस्त्र दिए, अगेन एंड अगेन बार बार। क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो हमें अब हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन, जो मित्र मुझे छोड़ के जा चुके थे वो एक एक करके वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, और जो उसके स्वार्थी सलाहकार थे, जो मित्र लोग जो उसको पैसे देने से डरते थे, आज वे भी सूर्य के समान काफ़ी प्रसन्न दिखाई देने लगे और उसकी सहायता के लिए वो भी अब तैयार होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो है ये स्वयं कार्य कर रहा है, उसके स्वयं के पास भी पैसे हैं। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, मुझे उनकी अब और आवश्यकता नहीं थी, ये वे सभी समझ गए थे। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। कवि कहता है कि मेरी जो हार्ड वर्क और जो कॉन्फिडेंस है उसने मुझे जीवन में सारी सुख सुविधाएं दी, मुझे संपन्न बनाया और मेरे जीवन की जितनी भी जो परेशानियां थी उन सभी परेशानियों को दूर किया। और उसके जो भी मित्र जो उसको छोड़ के जा चुके थे वे भी अब उसकी सहायता के लिए वापस आ गए। तो ये जो कविता है ये हमें जीवन में हार्ड वर्क के महत्व को बताती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने जो वर्क है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने कॉन्फिडेंस और भगवान में विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।